नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन से काफी राहत मिलती है। पेंशन के जरिए लोगों के पास हर महीने अच्छी अमाउंट आती रहती है। हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन मिले। ऐसे में अब पेंशन हासिल करने के लिए लोगों को खुशखबरी मिली है। जी हाँ, दरअसल ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों के मूल वेतन के 1.16% के अतिरिक्त योगदान का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के जरिए संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ताओं के योगदान से किया जाएगा। आपको बता दें, EPFO के जरिए संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता मूल वेतन का 12% योगदान करते हैं। नियोक्ताओं के 12% के योगदान में से 8.33% EPS में जाता है और शेष 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि में जमा कर देते हैं। अब वे सभी EPFO सदस्य जो उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए 15,000 रुपए प्रति माह की सीमा से अधिक अपने वास्तविक मूल वेतन पर योगदान करने का विकल्प चुन रहे हैं, उन्हें EPS के लिए इस अतिरिक्त 1.16% का योगदान नहीं करना होगा।